वास्तव में अगर देखा जाए तो इंडिया का दिल गांव में ही धड़कता है, और जब धड़कता है तो इसकी धड़कन दूर दूर तक सुनाई देती है। हमारा कहने का यह मतलब है कि विषम परिस्थितियों में भी कई ऐसे हीरे जो गांव में दबे होते हैं, वे निखर कर सामने आ ही जाते हैं, तथा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी छाप छोड़ देते हैं। और कई युवक युवतियों की प्रतिभा असुविधा और मार्गदर्शन के अभाव में गांवों में ही दम तोड़ देती है। लेकिन एक गांव की बेटी सुहानी व्यास ने जो कर दिखाया, वह साबित कर देता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही प्रतिभा के फूल खिलते हैं। दसाई की बेटी सुहानी व्यास ने मिसेस इंडिया का खिताब जीतकर गांव का नाम रोशन किया। पहली बार घर आगमन पर गांव की महिलाओं में अपने मिसेस इंडिया से मिलने की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि सुहानी व्यास की मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक विजयी होने के बाद प्रथम गृहनगर दसाई में आगमन पर नगर में खुशी का माहौल है। 14 से 16 नवंबर को 3 दिवसीय अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2020 की मिसेस इंडिया की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का कड़ा मुकाबला करते हुए एक ग्रामीण क्षेत्र की बेटी ने जिस प्रकार से अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपने प्रतिद्वंदी से कड़ा मुकाबला करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाफ मिसेस इंडिया का खिताब हासिल किया, तो दूसरी ओर गाँव दसाई के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिसेस इंडिया ने चर्चा में बताया कि तन से सुंदर होना जरूरी नहीं है, मन से, भावनाओं से, कर्मों से सुंदर होना बहुत जरूरी है। ये भाव ही व्यक्ति को आगे ले जाने में सहायक होते हैं। हर महिला अपने आप में मिसेस इंडिया होती है। भारतीय महिलाएं अपने आप से ज्यादा दूसरों को समय देती हैं। उन्हें हर संभव अपने लिए भी समय देना चाहिए। और क्या कुछ कहा मिसेस इंडिया ने, आइए आपको सुनाते हैं। गीता चौहान, मैं डिजिटल सखी हूँ, और हमारे गांव के जैसे सुहानी व्यास है, इन्होंने मिसेस इंडिया बनकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है, उससे हम बहुत खुश हैं। और इन्होंने जैसे अभी बोला था कि हमें ये महिला को जागरूक करना है, तो हमने इनकी हेल्प भी की और उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया, तो जागरूक हुई महिला यहाँ की। हाँ, क्या क्या, और बहुत सारी खुशी भी हुई खुद के लिए, महिला मतलब खुद के लिए क्या करना है उनकी जानकारी दी इन्होंने कि खुद को खुश रखो और अपने लिए समय निकालो, जब जाके पूरे परिवार को संभाल सकोगे। ओके, नाम बता दीजिए आपका। सुनीता चौहान। ठीक जी, मेरा नाम सुहानी व्यास है, मैं VPR मिसेस इंडिया हूँ 2020। VPR एंटरटेनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये कंपटीशन निकाला था, और ऑल इंडिया से कॉम्पिटिटर इसमें आए थे, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो पूरे ऑल इंडिया से जो मैरिड वुमन से ये उनके लिए था, एंड फिर मैं इसमें विनर बनी। इसमें 2 रनर अप्स भी थे, 2nd रनर अप एंड 1st रनर अप। मैं दसाई से, दसाई बहुत छोटी सी जगह है एज़ यू ऑल नो, लेकिन कैसा है कि शादी के बाद मैं अहमदाबाद गई, फिर बहुत सारी जगह घूमना फिरना होता था, राइट। लेकिन फिर मैंने अपने आप को और इस फील्ड में जाने के लिए सोचा। मेरा एक बहुत बचपन से एम था कि मैं मिस इंडिया के लिए खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन कुछ पढ़ाई, कुछ जॉब, उस वजह से इसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मिसेस इंडिया इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट ब्यूटी, इसमें सिर्फ सुंदरता नहीं होती, इसमें आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कितने फिट हैं, आप कितने अवेयर हैं, ये सब चीज़ों को देखा जा सकता है, और आप कितना क्विक डिसीजन ले सकते हैं और आप कितना सही डिसीजन पे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, फिर राउंड्स होते हैं, फिर वो क्लियर करके हम फिनाले में जाते हैं। सो इसका फिनाले अहमदाबाद में हुआ था। अच्छा, मिसेस इंडिया बन के कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है, सब लोगों को ऐसा मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं खुद कोई क्वीन हूँ, कोई प्रिंसेस हूँ, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर किसी लड़की को आप ये कहो कि वो प्रिंसेस है और उसके सर पे ताज रख दो, तो इट इज़ वेरी गुड। दसई से लेके वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? हाँ, दसई से लेके वहाँ तक का सफ़र सर, इसमें कैसा है कि मैं जी बिल्कुल, आपको पता है कि दसई बहुत छोटी जगह है, तो मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी को भी थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो लोग बहुत बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ज़माना वैसा है, या सो मेनी थिंग्स, कुछ लोगों को बहुत कंसर्न होते हैं। सो मेरे पेरेंट्स ने वो सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ मुझ पर विश्वास रखा, उसके बाद मैंने भी उनको वैसे रिजल्ट दिए कि अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़कर बताऊँगी। और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को मुझ में बहुत बिलीव था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ये सब
इस सब में आगे आने के लिए। अच्छा, फ्यूचर में क्या है, फिल्मों में भी जाने का कुछ? फिल्मों में जाने का ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। सी, मिसेस इंडिया इट इज़ फॉर फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। तो फैशन इंडस्ट्री में धीरे धीरे मॉडलिंग फोटोशूट स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद अगर हम चाहें तो, या ऊपर वाले की कृपा से अगर हमको कोई अच्छा मौका मिले, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बट मेरा रुझान फिल्मों से ज़्यादा सीरियल्स में है, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है, और वो कैरेक्टर्स जो है ना वो लोगों के ज़्यादा करीब होते हैं। इसलिए अच्छा, आप दसई में आई है, यहाँ पे किस चीज़ का? मैं दसई में आई हूँ, यहाँ के लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनको। और मैं यहाँ सिर्फ दो तीन दिन के लिए ही थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे गांव की जो महिलाएं हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने आज छोटा सा एक वुमन अवेयरनेस का ओरिएंटेशन एक टाइप रखा था। तो हम ये जो सरकारी ज़मीन है, हम इस गवर्नमेंट प्लेस पर हम इकट्ठे हुए हैं सब लोग, तो जो डिजिटल सखी जो हैं उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी लोगों को इकट्ठा करने में, और उन लोगों ने अपने घर में से टाइम निकाला। और सी, मुझे अच्छा लगा ये जान के कि वो लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि चलो उनको उनके हिसाब का कुछ जानकारी मिलेगा। और यहाँ जो हमने बात की है, तो जागरूकता के लिए जो बात की है, तो वो उनकी हेल्थ के लिए किया है, वो उनके खुद को कितना इम्पोर्टेंस देना है उसके लिए किया है, उनके ख्याल रखने के लिए किया है। क्योंकि एक औरत, मेरे नॉलेज में जो है या मेरे हिसाब से, एक औरत पूरे घर का ध्यान रखती है, लेकिन वो अपना ध्यान कम रख पाती है। तो मेरा बस इतना ही उन लोगों से कहना था कि आप सबके साथ थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, ताकि चीज़ें और अच्छी हो जाएँ और बहुत सुचारू रूप से हम चीज़ों को। स्वच्छता को लेकर क्या आपने इनको अभी वो दिया प्रशिक्षण? स्वच्छता को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि हम घर को, क्योंकि हम सब एक परिवार से होते हैं, सारी जो महिलाएं हैं उनके पास परिवार हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा रखती हैं, अपने घर को साफ रखती हैं। तो मेरा उनसे, मैं उनको ऐसा बताना चाहती थी कि सबसे ज़्यादा उनको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, उनको अपना इंटरनल भी, अपना क्लीनिंग उनको बहुत करना चाहिए, खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्वच्छ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।